नमस्कार साथियों, हरियाणा जीके का एक छोटा और टॉपिक लेकर आपके बीच। हरियाणा की प्रमुख नदियां, भाई बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें का एक नंबर कहानी की पूरी पूरी संभावना है। अग मास्टर जी ले है जी मनु के देह के नंबर कहानी की पूरी संभावना है। एक एक करके भाई हरियाणा जीके में अपना नंबर लेने हैं और हरियाणा जीके का चीम सबसे बड़ा पोर्शन है क्योंकि 25% है अकेले वो हरियाणा जीके आओगी। और मेरा प्रयास यो है अगर जो आपका कम समय बचा है उसमें वो टॉपिक डालू मैं जो सुन की संभावना बहुत ही ज्यादा आने की है पेपर में। तो इसलिए यो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे नजरिए अभी और एचएससी के नजरिए तो है। तो आज जो छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ साथियों क्योंकि हरियाणा जी के मात्र 15 दिन की है, वैसे तो 15 दिन में आपकी सारी हरियाणा जी के करवा जाएंगे इस चैनल पर। और कई भाई लोग सोचेंगे हरियाणा सीखना है तो भाई हरियाणवी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। देखो आप कई सारी चीज इंटरनेट पर को नहीं मिले, 5% तो इसे आओ है जो कि पाओ ही को नहीं। इब आप नेट पे बोल कर देखो बस उड़े के बरा के निकले हो। हमने सीले साथ हम अपने त्योहार या संस्कृति कल्चर अपना तो यो ही भंडार है भाई। तो देखो छोटा बाद में बात करांगे, ढेर सारी बातें करांगे। देखिये भैया हरियाणा की प्रमुख नदी सबसे पहले यमुना नदी ने पढ़ाएं भाई हमको, किसने पढ़ांगे सबसे पहले पढ़ांगे यमुना नदी ने पढ़ांगे, किसने पढ़ांगे यमुना नदी और उसका उद्गम स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कहां पर है? उत्तराखंड में भाई। यमुनोत्री कहां पर है? उत्तराखंड में। इससे तो प्रश्न आवे है भाई, इससे तो प्रश्न आ ही रहा है पेपर में। सबसे पहला प्रश्न क्या था? यमुना नदी हरियाणा में कहां प्रवेश करती है? ताजेवाला। कहां प्रवेश करती है? ताजेवाला। एक पेपर में हुआ। फिर अगली बार जो ग्रुप डी के हरियाणा 2018 में हुए उनमें प्रश्न पूछा यमुना नदी हरियाणा में किस वन के पास से प्रवेश करती है? फिर वन पूछ लिया भाई, कौन सा वन है? कालेश्वर वन के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। कालेश्वर वन के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद अगली बार प्रश्न में पूछा गया यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। प्रश्न आ जा हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, तो पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी भाई? पश्चिमी यमुना नहर भाई। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। कब बनी भाई? 1879 भाई, 1879 में पश्चिमी यमुना नहर बनी। प्रश्न आ जा यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। प्रभावित क्षेत्र भाई, जिस पानी की सबसे ज्यादा प्रभावित करे है वो क्षेत्र यदि पूछा जाए तो अंबाला और यमुनानगर। और यमुनानगर के बारे में और बता दूं, यमुनानगर का तो नाम पे इस नदी का नाम पड़ा है। यमुनानगर का तो नाम इस नदी का नाम पे पड़ा है। पहले इसका नाम था अब्दुल्लापुर। क्या नाम था भाई? अब्दुल्लापुर भाई, अब्दुल्लापुर नाम था इसका। और वर्तमान में इसने यमुना नगर यमुना नदी के तट पे होने के कारण, किसके कारण है? यमुना नदी के तट पे होने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा? यमुना नगर। अगला प्रश्न और इससे तक पूछा था यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच, भाई पेपर में आ जाए प्रश्न भी, यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच कितने किलोमीटर की सीमा बनाव है? तो 320 किलोमीटर की सीमा बनाओ भाई। यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच कितने किलोमीटर की सीमा बनाओ है? 320 किलोमीटर की सीमा बनाओ है। तो ये प्रश्न सारे 5-6 प्रश्न आपके यमुना नदी से संबंधित है और एक पेपर में जरूर आने है भाई। उसके बाद घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। उद्गम स्थल डाग सही, और डाग सही कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में भाई। एक और बताऊं भाई, तैयारी करो एचएससी में, अपने जो पड़ोसी 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कम से कम इनका तो अपने पूरा ज्ञान होना चाहिए। 5 राज्य में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, लोकसभा की कितनी सीट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बार बार पूछा जा रहा राज्यपाल और मुख्यमंत्री। हरियाणा के पास्ट ईयर पेपर उठा कर देख लियो, उनमें जरूर प्रश्न आ पाओ है भाई उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है ये आप देख लियो। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है डाग सही, और डाग सही कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल का तो मैं बता दूंगा मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है भाई? जयराम ठाकुर। और दूसरा एक प्रश्न इस और करंट में भी पूछा जा सके है भाई, हिमाचल का राज्यपाल कौन है भाई?
हिमाचल का राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है भाई। कौन है? आचार्य देवव्रत। क्यों पूछा जा सके है? क्योंकि वो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले का है। कौन सा जिले का है? कुरुक्षेत्र जिले का है। तो यहां से तो प्रश्न आना आना है। ये आपके जो धीरे धीरे है, क्यों हर क्षेत्र में आपने यार राजनीति भी जरूरी है, नदियां भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, तो इसलिए नदी करा रहे हैं। तो उसके बाद टॉपिक डाल देंगे का घर उद्गम स्थल है डाग सही, हिमाचल प्रदेश में है। प्रभावित क्षेत्र है फतेहाबाद सिरसा, फतेहाबाद और सिरसा। इसके साथ भी हिसार भी लिख सका हापा। कौन सा लिख सका? हा हिसार। तो प्रश्न आ गया गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? डाग सही हिमाचल प्रदेश, डाग सही हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखियो मारकंडा नदी, कौन सी नदी भाई? मारकंडा। उद्गम स्थल नहान, कौन सा है? नहान। नहान कहां पर? यो भी हिमाचल प्रदेश में है। कि था भाई? हिमाचल प्रदेश में। प्रभावित क्षेत्र अम्बाला व कुरुक्षेत्र भाई। धर्मनगरी का आग्रह जिसने, ये का आग्रह? धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क भी कुरुक्षेत्र। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है कुरुक्षेत्र जिसका नाम विधानसभा की सीट नहीं है, जिसका नाम विधानसभा की सीट नहीं है। उसके बाद प्रभावित क्षेत्र में अम्बाला, और अम्बाला को हरियाणा की साइंस सिटी, विज्ञान नगरी भी और अम्बो की नगरी भी कहा है। अम्बाला को कहा गया जिसका नाम पर इसका नाम अम्बाला पड़ा था। उसके बाद नदी देखो साहिबी, कौन सी नदी? साहिबी नदी देखो। उद्गम स्थल पूछे तो बहरोड, कौन सा है? बहरोड। और यो बहरोड किस है? राजस्थान में। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। लेकिन आप इससे कोई मतलब को नहीं, आप करा हरियाणा के एक के बाद पूछी जा रहे। भारत का गुलाबी शहर, भारत का गुलाबी शहर कौन सा है? जयपुर। कौन सा है भाई? जयपुर। आपने कोई मतलब बोली जयपुर से, आपने मतलब हरियाणा का गुलाबी शहर कौन सा है? फतेहाबाद है भाई। कौन सा है? फतेहाबाद। हरियाणा का गुलाबी शहर पूछो तो फतेहाबाद, और पुरानी हवेलियों का शहर पूछो तो फतेहाबाद। तो आपने साहिबी नदी, उद्गम स्थल बहरोड राजस्थान, प्रभावित क्षेत्र रेवाड़ी और गुरुग्राम, रेवाड़ी और गुरुग्राम। प्रभावित क्षेत्र कौन से? रेवाड़ी और गुरुग्राम। उसके बाद देखो इंदौरी, या पेपर माली भाई, या नदी पेपर माली। और पेपर में जो ऑप्शन थे मैं दे दूं, एक बार इंदौर जगह दे रखी थी इंदौर, और लोगों ने आइडिया लगा अब इंदौर तो मध्य प्रदेश में है या क्या, उसके दूसरे उत्तर लगाया है। लेकिन मैं आपको बता दियो इंदौर नाम का एक गाँव है, इंदौर नाम का एक गांव है और राजस्थान में पड़ता है। लेकिन यदि इंदौरी का किला उत्तर में नहीं दे रखा उद्गम स्थल में, तो आप इसका इंदौर करांगे, और यो गांव राजस्थान में पड़ता है। और यदि इंदौरी का किला है तो फिर इंदौरी का किला उत्तर होगा, इंदौर नहीं है। तो इसका उद्गम स्थल में दोनों लिख दिए मैंने, इंदौर है तो यो आया ग्रुप डी 2018 में, और यो सही मान्य तस्सी ने, और वर्तमान में मैंने दोनों लिख रखे हैं। इंदौरी का किला मेवात में है जिसका वर्तमान नाम के भाई नू है, के नाम है नू। और प्रभावित क्षेत्र में भी मेवात और रेवाड़ी। साथियों आप लोगों का इतना प्यार है, मेरा गर्मी वैसे कितनी पड़ रही हो, फिर भी 9-3 बजे की क्लास चल रहे हैं, फिर भी आपके लिए समय निकाला है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना मिला है मैंने, और इस तरह आप साथ में जुड़े रही हो 15 दिन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। आड़ा आगे तो 15 दिन में आपकी हरियाणा के कम्प्लीट है, बाकी भगवान की दादियों कर देंगे, आप 15 दिन में सारी करा देंगे भाई। लगती गेर देंगे 20-30 वीडियो देखे जाइयो, और वीडियो का मजा आयो देख दे, एक बार डांट के देख लो याद हो जाएगी, ठीक है ना भाई? तो देख दे रही हो। उसके बाद कृष्णावती, कौन सी नदी आएगी? कृष्णावती। उद्गम स्थल नीम का थाना, कौन सा है भाई? नीम का थाना। और यो कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। फिर इसका प्रभावी क्षेत्र भाई नारनौल, रेवाड़ी। और मैं यो प्रश्न भी आ सके हर दे भाई बताए दू हूं, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? नारनौल में। पहले इसके 2 प्रश्न बना कर दे, मेवात का मुख्यालय पूछा कर दे, वो था नू में भाई। कहां पर था? नू में था। लेकिन वर्तमान में एक के जिला बच गया, क्योंकि मेवात का नाम ही बदल कर नू कर दिया है। वर्तमान में महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? नारनौल में है। तो नीम का थाना था, कृष्णावती नदी निकल राजस्थान में, और प्रभावित क्षेत्र नारनौल में रेवाड़ी, और नारनौल में ढोसी तीर्थ है भाई। कौन सा है? ढोसी तीर्थ। चवन ऋषि की तपोभूमि, किसकी भाई? चवन ऋषि की तपोभूमि। उसके बाद टांगड़ी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी भाई, टांगड़ी आ जा, टांगड़ी आ जा। यो हरियाणा है भाई, एक बार सही पेपर था ग्रुप डी का 2018 में लास्ट में, उसमें एक प्रश्न आ रहा था तराइन की लड़ाई थी, दिनोत्रावड़ी का आग्रह,
और वह उसका ऑप्शन दे रहा है तरोही, जो मम्मे को नहीं कोई, लेकिन एच एस सी है भाई, मानना पड़ेगा, जिसकी लाठी उसकी बहस, हमने तो बहस करांगे तो मोरोड कार्ड दे एच एस सी किसे की ना मान ली, तो आपने दोनों नाम लिख दिए, सही टांगड़ी आ गया, सही टांगड़ी आ गया। उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी की पहाड़िया। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, कौन सा है? मोरनी हिल्स। और यो कहां पर है? पंचकुला में। लेकिन इसका जो प्रभावी क्षेत्र है कौन सा है भाई? अंबाला। कौन सा है? अंबाला। पसीने तो आवाएंगे भाई, मेहनत करोगे तो पसीने है, और पसीने मेहनत का है फल भगवान। आपने भी देखा, आप वीडियो देखो, शेयर करो, पसंद आओ तो लाइक भी करो, नहीं पसंद आओ तो बेशक लाइक ना करियो भाई, क्योंकि वो प्यार आप लोग इसलिए दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसमें आपने इतना सहयोग किया पिछली वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उसके बाद है दोहान या दोहन नदी, दोहान या दोहन नदी कहां से है? दोसी की पहाड़ी। और ये कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। कहां पर है भाई? महेंद्रगढ़ में है ये। और इसका प्रभावी क्षेत्र तो सीधा कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा है भाई? महेंद्रगढ़। साथियों एक छोटा सा टॉपिक जो आपको डाल दिया है, देख लियो आप इसने, दूसरा के इसमें 1% जरूर आवा, यह गारंटी है भाई, क्योंकि ऐसा कोई भी पेपर नहीं हरियाणा का जिसमें नदियां के बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा। और सबसे पहले मैंने जो यमुना नदी के बारे में बताने यहाँ तक तो प्रश्न आना ही आना है भाई। फिर आप संस्कृति करेंगे अपन पर सह के, संस्कृति सांग नृत्य, ये सांग आओ पेपर में, ये बेचारा कोई नहीं बताओ, बेचारा कोई SSC की तैयारी करे है, उसने कहा हरियाणा जी के ना पढ़ियो, उसने तो भगवत दयाल शर्मा भी याद करना पड़ेगा, लेकिन हमने जो जी के पढ़ी गीत भी सीखे भाई, गीत भी आओ पेपर में, एक पेपर में आया था विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जा है, तो विवाह के अवसर के भी गीत आओ है, बने की बनेड़ी बने से झगड़ी तम ल्याए क्यों ना हो सोने की तगड़ी, तो हम तो भाई सोने की तगड़ी का मेरा है, ल्याए क्यों ना विवाह में आ देखेगा बरात में जाएंगे रोटी खाने आ जाएंगे, एक पेपर में पूछ लिया नियम चलाई कब की जा है, विवाह के अवसर पर करी जा भाई, और जब नौकरी ना लागे जी मन की मन में रह जाएगी नीम दराई वाली, ठीक है भाई, तो आपने नौकरी लागे जी ना नीम दराई के बारे किसे की देखोगे। एक आ रहा था खोड़िया नृत्य, भाई लड़का की शादी में कराया जा है, महिलाओं द्वारा कराया जा, तो ये अपनी संस्कृति ही है पूछा, और इससे हम अपने नंबर कट गए तो किसके योद्धा पापा, अपना घर में फैल हो गया, हरियाणा जी के अपना घर से है, इससे में फैल हो गए तो कोई फायदा को नहीं। एक खेड़ा नृत्य है, यो को सूता नृत्य है भाई, इसमें देख पुराना मानिए कोई देखता तो मात्र शक्ति भी देखे है, टम्पू पर कहा हुआ है तो हर दिन 15 मिनट पहले टम्पू रुक दे, इसे रुक के मारेंगे, हे ये तो ऐसा आदर नहीं बोला, मतलब इतनी रोवेंगी और 5 मिनट पाछा जो जितनी ज्यादा रोवे है इतनी पूरी खा जाए हर एक के खाते हैं, तो यह अपनी संस्कृति का हिस्सा है भाई, तो खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु में कराया जा है, काज में कराया जा है, वो भी किसी का ब्योत हो तो बुजुर्ग की मृत्यु नहीं काज में, बूढ़ा में जाए बेचारे दिन करने मुश्किल हो जाए किसा काज करा था, काज में हो खेड़ा नृत्य भाई, तो यह अपनी संस्कृति है। इब आभूषण पूछ लिए, आभूषण आधे तो भूल लिया आभूषण, इब गाने पढ़ लो, हम देखो तो सावधान इंडिया भाई, हम देखा संस्कृति तो मेरे भाइयों, जैसे एक आभूषण पूछा था बोरला, और बोरला का गीत भी है, मेरा बोरला घड़ा दे हो नंदी के बीरा तन्नु माथे पे रख हो नंदी के बीरा, तो बोरला आभूषण गीत का माथे का। साथियों याद है नदिया टॉपिक, जल्दी आपकी संस्कृति एक बार वीडियो देख लियो भाई, याद हो जाएगी गारंटी अपनी। आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत।